बूस बूसा बोलते हैं, बूस भी बोलते हैं हम आसान अल्फाज में, कह सकते हैं कि जी ये तुड़ी स्टोर है। कि आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, लेकिन हम है कैद में तो आपको क्या दे सकते हैं, तो इन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया, ये बिल्कुल फ्रेश है, आप देख सकते। आइए आपको दिखाते हैं अपने गांव का एक अनोखा अंदाज, पुराना पुराने ज़माने का। अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल पीको पाक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो देहातों की और मज़ेदार जो है वो आपको देखने को मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम खान और आप देख रहे हैं पीको पाक यूट्यूब चैनल। अच्छा, हमारे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि यार हमारा भाई कहां पे गायब है, काफ़ी दिनों से गायब है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और आज मैं आया हूं अपने गाँव में और टाइम तो इतना नहीं मिलता घूमने फिरने का, लेकिन आज मैं कज़न के पास आया हुआ था जो अपना इंट्रोडक्शन खुद आपके साथ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अवैस खान है और नईम भाई जो बहुत मेरे करीब के हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक तो हम कज़न हैं, मेरे चाचू के बेटे हैं, और दूसरी बात ये कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन है। तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आइए आपको अपने देहाती इलाके के बारे में कुछ खसूसियात बताते हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और बहुत खुश हो जाएंगे, और आप ज़रूर देहाती इलाके का विजिट करना चाहेंगे, अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहेंगे। ठीक है, तो अभी नाज़रीन हम मौजूद हैं सवाबी में। ठीक है, तो सवाबी की हम आपको थोड़ी बहुत सवाबी के खेतों के यहाँ पे लोगों का रहन सहन और उनकी थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आपको विजिट भी कराएंगे, तो आइए चलते हैं। नाज़रीन दूसरे आपको बात बता दूं हैरान होने वाली कि हमारी असल में ये हमारा गांव भी है, हमारी पैदाइश भी यहाँ पे हुई है और हम सब जितने भी हम आपको खड़े नज़र आ रहे हैं तो हमारा बचपन भी यहाँ पे गुजरा है ना, तो काफ़ी अरसे बाद हमारे आपस में मुलाकात होती रहती है क्योंकि जब बंदा जवान हो जाता है फिर बंदे की अपनी मसरूफियात होती है, जॉब होते हैं, किसी के बिज़नेस होते हैं, कोई फॉरेन कंट्री चला जाता है ना, तो हमारी मुलाकात बहुत कम होती है। दूसरे हम गाँव जब आते हैं तो हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम कहीं आउटसाइड जाएँ कि विजिट करें और आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने गाँव की थोड़ी शेयर करवाएं। ठीक है, तो ये भी लाहौर से आए हैं तो मतलब ये कि बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग है इनकी, तो इसी तरह मैं भी इस्लामाबाद में रहता हूं। की बात बताऊं कि हमारी लड़ाई इस बात पे हो रही थी कि भाई या तो कैमरे के सामने तुमने आना है या कैमरे के सामने मैंने आना, जैसे ही कैमरा खुले तो ये ना मुझे मौका। अच्छा तो ये अच्छा तो हम नाज़रीन के साथ बातें ही करते रहेंगे या उनको शेयर भी कराएंगे, क्योंकि बोलते नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं ना इस जगह को, पता नहीं आप क्या नाम देते होंगे क्योंकि हम पश्तो में से अरट बोलते हैं, अरट अभी उर्दू में जो है मुझे भी नाम नहीं आता, मेरा जो एक कजन है मुझे सब कुछ आ रहा था, मैंने देखा इसको भी नाम नहीं आता। ठीक है, इसको भी नाम नहीं आता कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। बहरहाल जिन लोगों ने देखा होगा तो उम्मीद है कि वो जान चुके हैं कि ये कौन सी जगह है। ठीक है, जिस तरह मतलब बैल को इसको बांध के ऐसे ही कहूंगा इसको कि दिस इज कॉल्ड अरट, और अरट उस जगह को बोलते हैं पश्तो में जहाँ से खेतों को पानी दिया जाता है, बगैर बिजली के पानी निकाला जाता है, बगैर बिजली के, बगैर किसी मतलब ऐसे सिस्टम के यहाँ पे एक बैल को बांधा जाता है और वो ऐसे एक गोल चक्कर काटता है, वो उसके जरिए ये जो चीज़ है ये यहाँ पे कुआँ है, कुएं में इस तरह इसका एक सर्कल होता है जो एक तरफ से पानी निकालता है, और यहाँ पे हमने एक नाली बनाई होती है इसके लिए स्टील की या लकड़ी की, वो इस पर यहाँ पे हम पानी स्टोर करके इसी में, इसी ये जो जगह आपको नजर आ रही है इसमें हम बैठ के नहाते थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, बल्कि यहाँ पे जब रमज़ान मुबारक के महीने में हम यहाँ पे जो है अफ्तारियाँ भी हमने बहुत की हैं यहाँ पे। दूसरा यह कि हम इधर खेतों में जाते थे, मतलब अगर अपने खेत में तरबूजे ना होते थे किसी और के खेतों से तरबूजे जो है ना काट के ले आते थे। ठीक है, तो मतलब ये कि हमने तरबूजे भी बचपन में खाए हुए। ठीक है, यहाँ पे और मूलियाँ, गाजर, इसके अलावा जो है ना थर, ये जो बंदा है ये मेरा क्रिमिनल पार्टनर है, लोगों की फसलें अपने बर्बाद की है, अब जो जो मिलता रहा है जैसे बड़े होते हैं और अकलों से बढ़ता गया तो उनसे जाते हैं, मुलाकातें करते हैं और उनसे मजब करते हैं कि यार यहाँ पे पतंगे उड़ाया करते थे, कैसी बड़ी होती थी। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि जब हम अफ्तारी के लिए आते थे तो उससे हम थोड़ा पानी निकालते थे क्योंकि लाइट का सिस्टम होता है, तो अभी मैं वही करने लगे बच्चों का वो नाजिर ये देखें ये कुआं है। ठीक है, और काफी गहरा है। ठीक है, इस कुएं में भी हम उतर के कई दफा नहाए हैं इसमें। ये अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको जोर से ऐसे मारते हैं ताकि ये जो है ना इसमें पानी भर सके,
और अभी ये आपको दिखाएंगे कि ये भर गया है और आपको ये पानी निकालते हुए दिखाएंगे। ये बड़ा मजा आता है जब यहाँ पे कोई शादी वगैरह होती है, उनके बाद बेल जब यहाँ पे नहीं पानी होते तो हम इस तरह की हरकत करते थे। हम ये करते थे कि यार हम कुएं का पानी जो है वो ज़ाया करते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता कि इसमें कुदरती चश्मे होते हैं और ये पानी बढ़ता है ना कि कम होता है। अब ये देखिए नाज़रीन, ये पानी पीने के लिए भी है, आप नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मतलब इसके फायदे हैं क्योंकि ये नेचुरली है। अब मैं पी के दिखाता हूँ आपको। और दूसरा, गर्मियों के मौसम में इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी ठंडक होती है इस पानी में, इतना ठंडा होता है ना कि बर्फ़ तो बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर हम कोई फ्रूट वगैरह हम लाते थे ना तो इसी पानी में रखते थे फ्रूट को ठंडा होने के लिए। फ्रूट से मुझे एक बात याद आई है, यहाँ पर ना तरबूज के खेत होते थे और बाग होते थे, तो हम क्या करते थे कि रमजान में अल्लाह माफ करे कि क्या कुछ किया, तो हम ना दोपहर को जाते थे क्योंकि दोपहर को ना लोग सो जाते थे या मतलब गर्मी होती है और दोपहरें लंबी होती है, हम क्या करते थे गर्मी में हम आते थे किसी बाग में घुस जाते थे, वहाँ से हम फ्रूट काटते थे, मतलब फ्रूट में तरबूज होते थे या तरबूज तर ज़्यादा होते थे, तर नहीं होते तर, हाँ, वो ज़्यादा वो हम लेकर आते थे छुपा के और फिर ला के हम इसी कुएँ में फेंकते थे। शाम को हमने आया करना है तो इसी टाइम में। नाज़रीन ये जो नज़र आ रहा है ये धनिया है और इसका इस्तेमाल तो आपको पता है आम दिनों में कितना ज़्यादा होता है, दूसरा रमज़ान में फिर काफ़ी इस्तेमाल होती है इस धनिया की, ठीक है। तो ये जितना भी देखो ना इतना ज़्यादा धनिया कोई अपने आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता, फिर यहाँ के जितने भी ज़मींदार लोग हैं ना तो इसको उगा के फिर ये जो है ना सेल करते हैं, इसकी गेड़ियाँ बना के छोटी छोटी ना, तो ये बाज़ारों में सेल करते हैं उसको, तो फिर आगे जाके फिर वो कस्टमर पे सेल करते हैं इनकी। और इसके अलावा यहाँ पे तंबाकू भी की भी जो पैदावार होती है, ये जो आपको नज़र आ रही है मूलियाँ हैं, ठीक है, तो फिर मिक्स करते हैं। और दूसरा ये देखें जिस तरह मैंने बोला ये मूलियों की कहते हैं, और आप देख रहे हैं चाचू ये मूलियाँ निकालने, जो मूलियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये सेल करने के लिए, मतलब ये इतना बड़े बड़े कैद ये अपने लिए, तो आपको पता है कि इतनी मूलियाँ इस्तेमाल नहीं होती जितना, मतलब ये सेल करते हैं इसको बाज़ार में, ठीक है। जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जिन्होंने टीए लगाए होते हैं, जैसे देख रहे हैं। अच्छा तो नाज़रीन ये देखिए ना, ये लहसुन है, तो बताते हैं लहसुन जो बिहार का होता है, एक फार्मिंग होता है और एक कस्टमर होता है जो फार्मर जो है मिलता है, ये बहुत बेहतरीन है लहसुन, इसका तकरीबन इतना एक एक होता है, एक तो पहले इसको पानी देते हैं या खुश हो जाते हैं, उसमें गोबर डालते हैं, मिक्स करते हैं मिट्टी के साथ, फिर उसमें ट्रैक्टर को चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाने के बाद उसको जाना फिर पानी देते हैं खेत बनाने के बाद, और इसकी मैं कसम उगाते हैं एक एक जो छोटी छोटी जो होती है ना, एक 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 दाना जो होता है उसको जो है ना ये लगाते हैं, जो है ना ये उगाते हैं और उसके बाद जैसे उगाते हैं तो अगले दिन इसको पानी देते हैं ताकि वो जमीन में जो